नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। आज मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें हम बताएंगे इसके टाइप्स, और पहले जान लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस जो होता है किसी भी आइटम्स या ऑब्जेक्ट का लिस्टिंग किया जाता है। कहने का मतलब इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल वे। मतलब ये किसी भी आइटम या ऑब्जेक्ट का लिस्ट होता है जो कि सीक्वेंशियल वे में अरेंज्ड होता है। कैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सीक्वेंस कहने का मतलब हो गया जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें जो नंबर है वो एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज्ड है। कहने का मतलब तो फर्स्ट नंबर 2 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर कैसे आया तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा सीक्वेंस। हम इसी तरह एक और सीक्वेंस ले सकते हैं। अगर हम इसमें 1, 4, 7, 10 इस तरह से कोई दिया हुआ है एक सीरीज, देखिए ये कोई ऑर्डर को फॉलो करता है कि नहीं इसको हम चेक कर सकते हैं। इसमें 3 ऐड किए तो 4 आया, फिर इसमें 3 ऐड किए तो 7 आया, इसमें 3 ऐड किए तो 10 आया। तो इसी तरह ये क्या हो गया, इसी तरह आगे भी बढ़ता रहेगा। अब आइए सीरीज क्या होता है। सीरीज होता है जितने भी सीक्वेंस दिए हुए हैं कोई भी सीक्वेंस के टर्म का सम, मतलब सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका टर्म का सम यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये क्या हो गया सीरीज। मतलब सीरीज क्या होता है किसी भी सीक्वेंस के टर्म का सम। अब आइए हम जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के टाइप्स। सीक्वेंस एंड सीरीज के यहाँ टाइप्स दिए हुए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी से डिनोट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी से डिनोट कर सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम एचपी से डिनोट कर सकते हैं, और एक होता है फिबोनाची सीरीज। आइए उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब किसी भी सीक्वेंशियल वे में हम किसी एक नंबर को ऐड करते हुए हम उसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 कोई नंबर दिया हुआ है, इसमें हम 1 ऐड किए तो 2 आया, फिर इसमें एक और 1 ऐड किए तो फिर 3 आया, फिर इसमें ऐड किए 1 तो 4 आ गया, फिर इसमें 1 ऐड किए तो 5 आ गया, फिर इसमें 1 ऐड किए तो 6 आ गया। इसी तरह एक सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिया है 4, 6, 8, 10, 12, मतलब प्रत्येक में यहाँ 2-2 से ऐड करोगे तो एक सीक्वेंस देगा, यही सीक्वेंस क्या कहलाया एपी। मतलब अगर हम सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटाओगे तो इसका क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटाए तो 2 आया, और ये जो 2 कहलाया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कहलाया, ये जो 2 कहलाया क्या कहलाया, कॉमन डिफरेंस। अब प्रत्येक का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अगर आप चेक भी कर सकते हैं 6 में से 4 गया तो 2 आया, 8 में से 6 गया तो 2 आया, 10 में से 8 गया तो 2 आया, 12 में से 10 गया तो 2 आया। इसी तरह हम इसका टर्म भी निकाल सकते हैं। टर्म कहने का मतलब है यहाँ पे इसका पोजीशन। जैसे 8 का यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है इसका टर्म क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे जो 12 है इसका पोजीशन क्या होगा, जिसको हम टर्म कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसका टर्म्स क्या होगा फिफ्थ। और टर्म्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं टर्म्स बराबर यहाँ पे TN से डिनोट करते हैं, जो N जो होता है वह पोजीशन डिनोट्स करता है। जैसे जो 12 में कौन सा पोजीशन पे है तो T5,
फोर कौन सा पोजीशन पे है? तो वन पोजीशन पे है। टी टू मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? तो सिक्स। टी थ्री थर्ड पोजीशन पे कौन सा है? तो एट। अब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया है उसके कुछ छोटे से उसके इम्पोर्टेंस पॉइंट बता चुके हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा। अब पहले हम छोटे छोटे पॉइंट पहले ज्योमेट्रिक मीन के जान लेते हैं, उसके बाद हार्मोनिक मीन क्या होता है वो जान लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसमें कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें कोई सीक्वेंस दे दिया है, इसका जो प्रत्येक टर्म है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे वन को वन से टू लाने के लिए क्या करना होगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये भी टू से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर आ जाएगा, ये भी आप टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एट आ जाएगा, ये भी टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिक्सटीन आ जाएगा, इसके बाद फिर टू से मल्टीप्लाई किए तो 32 आ गया, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 64 आ गया। इसी तरह यही जो पूरा सीक्वेंस क्या कहलाया हमारा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग यहाँ पे जीपी से डिनोट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे एक दिया हुआ है 3, 9, 27, 81, 243। कहने का मतलब है ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 243। मतलब ये जो नंबर जो दिया हुआ है, पर्टिकुलर जो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम CR से डिनोट कर सकते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जो होता है सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। सेकंड वाला टर्म है 9 और फर्स्ट वाला टर्म है 3, मतलब आगे वाले टर्म से जस्ट पीछे वाले टर्म को हम डिवाइड करेंगे, मतलब सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग से। जैसे ये क्या आया 3, इसी तरह 27 को 9 से कीजिए तो आएगा 3, 81 को 27 से कीजिए तो आएगा 3, 243 को 81 से डिवाइड करोगे, मतलब 243 को 81 से डिवाइड करोगे तो ये भी 3 आया। यही जो 3 कहलाया, क्या कहलाया, कॉमन रेशियो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है इसका प्रत्येक टर्म को अगर रेसिप्रोकल करोगे, इसका प्रत्येक टर्म को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का प्रत्येक टर्म को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो AP में आ जाएगा। AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 2 का 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1/6 का रेसिप्रोकल 6, 1/8 का रेसिप्रोकल 8, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका इस 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या कहलाया, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में हम बता चुके हैं, इसमें क्या होता है प्रत्येक टर्म का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो किस टर्म में आ जाएगा, वो AP में आ जाएगा। इसका हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये जो टर्म देख रहे हैं 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। ये जो टर्म क्या कहलाया AP, इसलिए ये टर्म क्या कहलाया
एचपी, मतलब जो एचपी होता है वो एपी का रेसिप्रोकल होता है, और जो एचपी होता है वो एपी का होता है, और जो एपी होता है वो एचपी का रेसिप्रोकल होता है। आइए हम एक न्यू पैटर्न के बारे में जानते हैं, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं। फिबोनाची नंबर्स का मतलब होता है इसमें कोई प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म का जो सम होता है वो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कोई यहाँ पे ऑलवेज जो फिबोनाची नंबर्स होता है वो हमेशा 0 और 1 से स्टार्ट होता है, मतलब ये 0 1 से स्टार्ट होगा, 0 1 और इन दोनों का सम 0 प्लस 1 1, फिर इन दोनों का सम 1 प्लस 1 2, फिर इन दोनों का सम 1 प्लस 2 3, फिर इन दोनों का सम 5, और इन दोनों का सम ये जो होगा ये नेक्स्ट नंबर देगा। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, मतलब ये जो फिबोनाची सीरीज है कहने का मतलब है कि जो प्रीसीडिंग टर्म से दो प्रीसीडिंग टर्म का सम नेक्स्ट टर्म आएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं an बराबर an-1 प्लस an-2, an बराबर an-1 प्लस an-2, मतलब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है an = an-1 प्लस an-2, इसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है इसे हम सीरीज निकाल सकते हैं, अगर हमको मालूम रहे तो दो प्रीसीडिंग टर्म क्या है तो हम उसका नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर an-1 ये जो टर्म दिया हुआ है a0 a1 a2 a3, इसी तरह ये टर्म दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 1 2, इसी तरह ये बढ़ते रहेगा। आप इसके थ्रू आप निकाल सकते हो कोई भी टर्म, आप पुट करके देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे a3 लेते हैं, हमको यहाँ पर a3 निकालना है तो हमको यहाँ पे ये निकालना होगा। a2 क्या दिया हुआ है 1 an-2, मतलब 3-2 1, a1 = 1, तो क्या निकल गया ये 3 हमारा 2। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के बीच इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और कोरोना से सुरक्षित रहें। जय हिंद।